हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके सामने खड़ी बजाज पल्सर 125, इसका आज हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो ये पल्सर 125 है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, काफ़ी शानदार गाड़ी है और पल्सर 150 जैसी ही है, और पूरा जो फ्रंट लुक है वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इसमें आपको। नॉर्मल हेडलाइट दी गई है इसमें, और टाइम इंडिकेटर भी देख सकते हैं आप, नॉर्मली दिए गए हैं। यहाँ पे इनको ऑन कर लेते हैं अभी, तो देख पा रहे हैं आप, ये इसके टर्न इंडिकेटर। 125 सीसी की बाइक है ये, और यहाँ पे कवर वगैरह दिया गया इसमें, और ये इसके फ्रंट व्हील का लुक, और ये इसका 125 सीसी में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा 240 एमएम का, और 17 इंच का टायर मिलेगा, और यहाँ पे आपको रेडियम वर्क भी मिलता है इसमें, देख सकते हैं यहाँ पे 17 इंच का टायर दिया गया इसमें, 8017 का फ्रंट टायर दिया गया इसमें, और ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है काफ़ी शानदार है। यहाँ पे देखिए आप, तो सिंगल हॉर्न मिलेगा इसमें आपको, और लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन नहीं है, एयर कूल्ड इंजन ही मिलने वाला है। और ये साइड प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी शानदार, और ये पल्सर की बेजिंग ब्लू कलर में काफ़ी शानदार लग रही है यहाँ पे। और ये इसका इंजन 125 सीसी का, जो कि मैक्स पावर देगा आपको 12 पीएस की, और 11 एनएम का मैक्स टॉर्क देगा ये, जिससे आपको 55 से 60 का माइल देखने को मिलेगा, और 5 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ में आएगी, और यहाँ पे आपको चौक भी मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बजाज DTSI पावर की बेजिंग मिल जाएगी यहाँ पे आपको। और ये पेडल्स, ब्रेक पेडल, सेल्फ और किक दोनों का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको, और ये साइड पैनल पे जो है ब्लू लाइट हाईलाइट दी गई है, जो कि काफ़ी शानदार लग रही है। और ये पेडल्स फोल्डेबल दिए गए हैं यहाँ पे, और एग्जॉस्ट सिल्वर कलर की प्लेट दी गई है अलग से, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइड पैनल पे 125 की बेजिंग दी गई है ब्लू कलर की, गॉगरेब हैंडल दिया गया है ब्लू कलर का यहाँ पे, और ये इसका रियर व्हील 1617 का रियर का टायर मिलेगा यहाँ पे आपको, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है 170 एमएम का, रियर में आपको जो है ग्राफिक्स का देखने को मिलेगा, और एक गैस शॉक अब्जॉर्ब यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलेंगे रियर के, एंड्योरेंस नेटवर्क्स के, तो काफ़ी शानदार है। और एग्जॉस्ट देख पाएंगे आप, कुछ ऐसा मिलेगा, और ये इसका रियर लुक पूरा पल्सर जैसा ही, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। LED टेल लाइट वगैरह यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि पल्सर सीरीज में आता है उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। ओवरऑल जो रियर लुक है वो पूरा पूरा पल्सर जैसा है, कोई चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल इंजन का चेंजेस है, छोटा इंजन दिया गया है इसमें। अगेन यहाँ पे 125 की बेजिंग दी गई है आपको, साइड प्रोटेक्टर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, और सिंगल सीट मिलेगी यहाँ पे आपको, स्प्लिट सीट नहीं मिलेगी, सिंगल सीट दी गई है एक साइड यहाँ पे, और 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड यहाँ पे 5 स्पीड का गेयरबॉक्स दिया गया है। मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, और ऐसे आप फ्यूल ऑन ऑफ कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी बजाज पल्सर 125, कैसी क्या लगी आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और इसके प्राइस के बारे में बात करें हम, तो 22,000 ऑन रोड प्राइस इसका धार का, और यहाँ पे देखिए आप, टैंक प्रोटेक्टर दिया गया है, और ये इसकी चाबी, अभी इसका फिल टैंक खोल के देख लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार का इसका फिल टैंक ओपनर है, और 11.5 लीटर का फिल टैंक मिलेगा इसमें आपको। और अभी देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे देखेंगे आप, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिया गया है, आरपीएम मीटर दिया गया है, इधर आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, ट्रिप मीटर दिया गया है, और फ्यूल मीटर दिया गया है, देख सकते हैं आप, और न्यूट्रल लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, और साइड स्टैंड वार्निंग यहाँ पे आपको दी गई है, तो काफ़ी शानदार है ये भी। और इधर आप से सेट भी कर सकते हैं यहाँ से आप,
और इधर आप देखेंगे तो इंजन ऑन ऑफ स्विच और सेल्फ का स्विच दिया गया है, रियर व्यू मिरर। इधर आपको बाकी लाइट्स और हॉर्न के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये पूरा आप कंसोल ले लीजिए, हैंडल वगैरह का कैसे क्या देखने को मिलता है, तो काफ़ी शानदार है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो राजपुरोहित बजाज, इंदौर अहमदाबाद रोड, त्रिमूर्ति नगर धार, यहाँ पर आगे आप संपर्क कर सकते हैं। वो काफ़ी बढ़िया है गाड़ी है ये, और 165 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी बजाज पल्सर 125, कैसी क्या लगी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।